गुना में अवैध रेत उत्खनन पर छापेमार कार्रवाई हुई है। पीपिया नदी घाट पर दबिश देकर पोकलेन मशीन के साथ रेत से भरे 7 ट्रैक्टर ट्राली जब्त किए गए हैं। पुलिस, राजस्व और खनिज विभाग के संयुक्त दल ने कार्यवाही की है। आपको बता दें कि अवैध रेत उत्खनन माफिया के विरुद्ध लगातार कार्यवाही अभियान जारी है। और इसी बीच ये बड़ी कार्यवाही की गई है। जसपा पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि राघोगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम सागर पिपलिया नदी में भारी भरकम मशीनों से उत्खनन की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई के लिए राघोगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक अवनीत शर्मा, जंजाली चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कमलेश गौड़ के साथ आसपास के 3-4 थानों से पुलिस फोर्स को उस जगह पर भेजा गया। जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए के द्वारा खनिज एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को मौका स्थल पर रवाना किया। पुलिस, खनिज एवं राजस्व विभाग की टीमें ग्राम सागर पिपलिया नदी पर पहुंची तो वहां पर नदी से एक पोकलेन मशीन रेत का उत्खनन करते हुए दिखाई दी, जिस पर 6 से 7 ट्रैक्टर खाली खड़े हुए दिखाई दिए, जिस पर कार्यवाही करते हुए मौके से 7 ट्रैक्टर ट्राली पोकलेन मशीन जब्त की से काफी मशक्कत के बाद नदी से बाहर निकाला। और आपको बता दें कि कुछ लोग वहां से भाग गए। पुलिस के द्वारा आसपास घेराबंदी करने पर पोकलेन मशीन के चालक शंकर पुत्र कालूराम बंजारा उम्र 29 साल निवासी ग्राम बासखेड़ी को दबोच लिया गया और उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें पोकलेन मशीन के मालिक के साथ जब्त ट्रैक्टर ट्रालिकों के मालिकों और चालकों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। इसी प्रकार कुंभराज थाना प्रभारी निरीक्षक संजीत सिंह मावई और उनकी टीम के द्वारा अवैध रेत उत्खनन के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पार्वती नदी से रेत का उत्खनन कर रहे महिंद्रा ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर चालक पुलिस को देखकर भाग गए। वहीं अज्ञातों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि गुना जिले में पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए जिले में उत्खनन माफियाओं को खत्म किया जाएगा। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी राधोगढ़ निरीक्षक अमित शर्मा, विजयपुर थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश गुप्ता, अनुकृति मिश्रा नायब तहसीलदार राघोगढ़, कालूराम मीना राजस्व निरीक्षक, खनिज विभाग से दीपक सक्सेना, पूजा वानखेड़े जामनेर थाना प्रभारी निरीक्षक, जुबेर खान कुमराज थाना प्रभारी निरीक्षक, संजीत सिंह मावई धनावदार थाना प्रभारी उप निरीक्षक, अरुण भदौरिया जंजाली चौकी प्रभारी उप निरीक्षक, कमलेश गौड़ उप निरीक्षक, विनय शर्मा उप निरीक्षक, जगदीश जाटव साक उप निरीक्षक, गोपाल सिंह और कुमराज फोर्स के अलावा खनिज विभाग और राजस्व टीमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सवाल यह है कि जब खनिज विभाग को अवैध रेत उत्खनन मामले में मुखबिरों से सूचना मिली तो इतने बावजूद लेट लतीफी कार्यवाही में क्यों की जा रही है, क्यों अवैध माफियाओं पर समय पर कार्यवाही नहीं की जाती, आम जनता सवाल के इंतजार में है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गुना जिले में अवैध खनिज एवं रेत उत्खनन पर लगातार अभियान जारी है। इसी सिलसिले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। थाना राघोगढ़ के जंजाली चौकी के अंतर्गत ग्राम पिपलिया में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ बड़े पैमाने पर बड़ी मशीनों के माध्यम से अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी राघोगढ़ अपनी विशेष टीम के साथ, इसके अलावा 4 अन्य थानों का फोर्स और पूरा बल वहाँ भेजा गया। खनिज विभाग की टीम, राजस्व की टीम साथ में पहुंची और वहां पर पोकलेन मशीन के माध्यम से रेत निकालकर ट्रैक्टरों में डालते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इस दौरान एक पोकलेन मशीन, 7 ट्रैक्टर रेत से भरे हुए, जेसीबी और कुछ आरोपी जो वहां पर थे उनका पीछा किया गया। वे भाग खड़े हुए। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया मौके से, जो कि इसका ड्राइवर था। इसका नाम है शंकर पुत्र कालूराम बंजारा। इसको गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी आरोपियों की पहचान हो गई है, उनको शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। इस प्रकार ये बड़ी मात्रा में एक पूरा मशरूका बरामद हुआ है। लगभग 1.5 करोड़ रुपए का, 1.5 करोड़ की राशि का मशरूका है, जिसमें कि विभिन्न आधुनिक मशीनें और रेत से भरे हुए डंपर हैं। पूरी रेत अवैध है। इस तरह अवैध रेत उत्खनन के एक बड़े जो कारोबार चल रहा था उसका पर्दाफाश हुआ है। इसमें TI अवनीश शर्मा जो राघोगढ़ के TI हैं और उनकी टीम ने बहुत विशेष कार्य किया है। काफ़ी मेहनत के साथ बहुत इंटीरियर इलाके में ये उत्खनन चल रहा था, वहाँ पर जाकर इसको पकड़ा गया है। उनको विशेष पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है।